ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनोऽवधीतमस्तु मा विद्विषावहे ॐ शान्ति 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 हरि ओम। हेलो एवरीवन, मायसेल्फ संतोष चौबे, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट सम इन्वेडर्स हु इन्वेडेड एंड लूटेड इंडिया, बट इन स्पाइट ऑफ इट दे हैव लेफ्ट सम इंडेबल मार्क्स ऑन द ह्यूमन काइंड। आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं और यह जो श्रृंखला है वह उन आतंकियों आक्रमणकारियों के बारे में है जिन्होंने भारत की भूमि को लूटा, लेकिन इसके बावजूद उनके जीवन की घटनाओं ने इस हमारे भारत के इतिहास पर कुछ अमिट छाप छोड़े हैं, तो हम लोग उसके बारे में बातें करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, स्टार्टिंग दिस सीरीज, आई वुड लाइक टू प्रेजेंट बिफोर यू ए पोएम रिटन बाय मी, एक मेरे द्वारा लिखी गई अभी हाल की कविता है। मैं आपके सामने जो है इसको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। देखिए, द ह्यूमन काइंड लाइफ इज फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। मानव का जीवन जो है वह भरा हुआ है अंतर्द्वंद्वों से, और मैं आपको यह बताना चाहूँगा, मैं आपको यह समझाना चाहूँगा कि जिंदगी अच्छी चल रही है, इसका अहंकार मत करो, घमंड मत करो, क्योंकि जिंदगी में विपरीत परिस्थितियाँ आपकी कभी भी आ सकती है, और यदि विपरीत परिस्थितियां आई हुई हैं तो उसे घबराओ नहीं, क्योंकि जिंदगी आपकी कभी बदल सकती है। तो आइए मैं आपको चार लाइन की अपनी कविता सुना दूं कि बचपन कटी बड़ी ऐश में, बचपन कटी बड़ी ऐश में, और जवानी में उन्हीं को बिलखते देखा, कम पड़ती थी जिन पे खुशियां सारी, दानों के लिए उन्हें मचलते देखा, दानों के लिए उन्हें मचलते देखा, न्यौछावर थे जिन पर खुशियां सारी, उनको भी बेवफा बनते देखा, न्यौछावर थी जिन पे खुशियां सारी, उनको भी बेवफा बनते देखा, और मोहब्बत को खुदा समझ बैठे थे जो, उसी मोहब्बत को कोठों पे थिरकते देखा, उसी मोहब्बत को कोठों पे थिरकते देखा, और नहीं बहाते थे जो मौत पे भी आंसू, नहीं बहाते थे जो मौत पर भी आंसू, कांटों के चुभन से उन्हें सर धूंते देखा, और आस उन जिनकी टूट पड़ते थे लोग, उन्हीं की लाश को सड़ते देखा, उन्हीं की लाश को सड़ते देखा। माई डियर फ्रेंड्स, माई डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। चलिए हम लोग आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, देयर रिमेन्स लिस्ट डाउट दैट इंडिया हैज बीन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। इस बात में कोई संदेह नहीं है, अनादिकाल से भारत लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है, क्योंकि किसी के लिए यह था सोने की चिड़िया, तो किसी के लिए था यह शहद और दूध की भूमि, तो किसी के लिए था यह सपनों की भूमि, किसी के लिए था यह सपनों का चरम उत्कर्ष, किसी के लिए था यह महत्वाकांक्षाओं का उत्कर्ष, और किसी के लिए था यह सभ्यताओं का पालना। फोर डिफरेंट काइंड ऑफ स्कॉलर्स इंडिया हैज बीन डिफरेंट, अलग अलग विद्वानों के लिए भारत की जो है महत्व अलग रही है, बट एवरी वन हैड एम्फसाइज दैट इंडिया इज अ लैंड टू बी विजिटेड, इंडिया इज अ लैंड टू बी सेटल्ड। भारत वह भूमि है जहाँ जाना चाहिए, जहाँ बसना चाहिए, और मैं कहना चाहूँगा यह वह भूमि है जिससे प्यार करना चाहिए। तो हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करने शुरू करने जा रहे हैं, एक सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ एक तरीके से। देखिए, सो मैनी एग्रेसर्स अटैक इंडिया एंड दे लूटेड इट्स वेल्थ टू इट्स ऑल अटमोस्ट लेवल। लोगों ने इसको इस भारत पर आक्रमण किया, और आक्रमण करके उन्होंने भारत भूमि को लूटा, इसको तार तार किया। बट इन स्पाइट ऑफ इट दियर इन्वेशंस हैव लेफ्ट सम इंडेलिबल मार्क्स ऑन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, लेकिन इसके बावजूद उनकी जीवन की घटनाओं ने भारत के इतिहास पर कुछ अमिट छाप छोड़े हैं। These are some lessons which can be imbibed by us. उनके द्वारा कुछ ऐसे पाठ पढ़ाए गए हैं जिसे हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। Because I would like to tell you, history is not only the records of events, but it is
इट इज इवेंट्स ऑफ टीचिंग्स। इतिहास केवल आपकी घटनाओं का विवरण नहीं है, इतिहास वास्तव में कुछ ऐसी शिक्षाओं का अध्ययन है जो हमें हमारे वर्तमान को अच्छा करता है और भविष्य को बेहतर करने में मदद पहुंचाता है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि किन किन लोगों ने भारत की भूमि को लूटा और किन के लूट से भारत के क्या जो इतिहास है वो इतिहास पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा है। देखिए, भारत को अगर हम लोग विदेशियों की बात करेंगे तो सबसे पहले 6वीं शताब्दी ईसापूर्व में जो अक्मेनियन डायनेस्टी थी, जो पर्शिया के लोग थे, ईरान के लोग थे, सबसे पहले भारत को उन्होंने ही लूटने का काम किया। लेकिन बताना चाहूँगा कि उनका जो उनकी जो घटनाएं हैं, उन्होंने जिस प्रकार से भारत पर आक्रमण किया, इसके बारे में इतिहास में बहुत कुछ विवरण उपलब्ध नहीं है। और दूसरी बात है कि वे सिंधु नदी के आगे पार कर भी नहीं पाए थे, तो हम लोग कह सकते हैं कि उनके बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति से हमारे भारत पर प्रभाव की शुरुआत होती है वो व्यक्ति है अलेक्जेंडर थर्ड, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा गया, सिकंदर, जिस सिकंदर महान कहता है इतिहासकार कहते हैं, वहाँ से ये स्टार्ट होता है। और फिर हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, फिर पढ़ेंगे मोहम्मद गजनी के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम मोहम्मद महमूद गजनी के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम लोग मोहम्मद गोरी के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम लोग आप कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम लोग बाबर के बारे में, और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग अंत में पढ़ेंगे अंग्रेज़ों के बारे में। इन सभी लोगों ने भारत को लूटा। हालांकि मैं एक दो कड़ी भूल गया, इसमें आपको तैमूर लंग और साथ ही साथ जो है वो अहमद शाह अब्दली और नादिर शाह के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, तो यह घटना जो है, यह जो सीरीज है, यह सिर्फ अधूरी रह जाएगी। हम लोग इतने सारे लोगों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है, आज की जो क्लास है, इसमें हम बात करने वाले सिकंदर के बारे में। चलिए हम सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा उनके जीवन के बारे में। देखिए, सिकंदर जिसे जिनका जो नाम था वो था अलेक्जेंडर, लेकिन पर्शियन लोग ने उनको एक वॉरियर के कारण से सिकंदर से उसको सिकंदर कर दिया, तो अलेक्जेंडर जो है वही अलेक्जेंडर जो है सिकंदर है। अलेक्जेंडर के पहले आपके मैसिडोनिया में दो अलेक्जेंडर और हो चुके थे, इसलिए यह थे अलेक्जेंडर थर्ड। यह इस मैसिडोनिया की राजधानी जो आपका पेला है, उस मैसिडोनिया की राजधानी पेला में इनका हुआ था जन्म 356 ईसा पूर्व में। इनके पिता मैसिडोनिया के राजा थे जिनका नाम था फिलिप द्वितीय, और माँ थी इनकी ओलंपिया या ओलंपियस। तो ये इनके जो पिता फिलिप थे, इनकी 7 से 8 रानियों के बारे में विवरण मिलता है। ये चौथे नंबर की रानी थी, हालांकि जो इतिहास में वो उनके अलेक्जेंडर के बहुत सारे भाई बहनों का विवरण नहीं मिलता है, एक भाई का विवरण मिलता है और एक बहन का विवरण मिलता है जिसका नाम था क्लियोपात्रा। तो सिकंदर जो अलेक्जेंडर है, उनका जो शिक्षा दीक्षा हुई वह जो है वह राजा घराने पले थे, तो उनकी शिक्षा दीक्षा जो है वो बहुत हाईली एजुकेटेड थे। और मैं बताना चाहूँगा कि उनके गुरु थे एरिस्टोटल या अरस्तु, जो जिन्होंने 13 वर्ष से लेकर 16 वर्ष की अवस्था में उनको मेडिसिन के बारे में उनको जो है वो फिलोसफी के बारे में, साहित्य के बारे में उनको बताया। बट अलेक्जेंडर वाज नॉट इंटरेस्टेड ऑन देम, लेकिन जो सिकंदर था उसमें उसको इस संबंध में अभिरुचि नहीं थी, और वह अपने पिता की, जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, अभी हम देखेंगे हम लोग कैसे सब कुछ होता है, पिता की जब मृत्यु हो जाती है तो पिता के मृत्यु के बाद उनको मकदुनिया का राज मिल जाता अब है, और 20 साल की अवस्था में वह मैसिडोनिया को संभाल लेते हैं। 22 साल की अवस्था में वह चल पड़ते हैं विश्व विजय की तरफ, पहले वह जो है वह पर्शिया को लूटते हैं और उसके बाद फिर मिस्र की ओर, मिस्र इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि बेबीलोनिया, और साथ ही साथ आप ईरान, इराक, ये सब इन्होंने कुवैत सबको लूटते हुए वे पहुँच जाते हैं भारत। और भारत में उनका सामना पहले होता है आपका, सबसे पहले जो है शिशुगुप्त नाम के एक व्यक्ति से होता है। इसके बाद वो जब वह भारत की तरफ और आगे बढ़ते हैं तो तक्षशिला का राजा था आम्बी, जो उनके स्वागत के लिए खड़ा होता है, वह उनको वहाँ पे स्वागत करता है, और उसके बाद उनका मुकाबला में होता पुरु से, और वहाँ से उनको पुरु की सहायता भी मिल जाती है। पुरु ने हालांकि बहुत दृढ़ता के साथ उनका मुकाबला करते हैं,
लेकिन आगे जब वो पहुंचते हैं व्यास नदी के पास, तो व्यास नदी से आगे उनके जो सेना के लोग हैं वो उनके उनसे कहते हैं कि हम अब आगे जा नहीं पाएंगे। और उस प्रकार सिकंदर को वहां से फिर वापस लौटना पड़ता है। और जब वापस लौट रहा होता है तो बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में जून के महीने में उसका हो जाता है देहावसान। सवाल यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर इतिहास आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप लोग इस सब के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो और कोई दूसरी क्लास होगी जिसमें मैं इसके बारे में बात करूँगा। मैं यहाँ पे आपको जीवन की कुछ शिक्षाएं देने वाला हूँ कि आप क्या कुछ सीख सकते हो सिकंदर अलेक्जेंडर से। सबसे पहला तो मैं यह कहना चाहूँगा कि पहली शिक्षा मिलती है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा बच्चों को पालोगे वैसा ही बच्चे फिर बड़े होकर के तुम्हें उसका परिणाम देंगे। मैं आपको बता दूं कि जो सिकंदर या अलेक्जेंडर की जो माता थी आपकी ओलंपिया, ओलंपिया वाज ए वेरी एम्बिशियस लेडी, बहुत ही महत्वाकांक्षी औरत थी। और उसने बच्चे को, अपने बेटे को सिर्फ यही समझाया कि यू शुड ऑलवेज बी एंगेज्ड इन विक्ट्री, तुम्हें केवल और केवल साम्राज्य साम्राज्य को जीतना है, तुम्हें केवल और केवल जीत चाहिए। उसको उन्होंने सिर्फ जीत सिखाई और परिणाम ये रहा कि एक माह के शिक्षा से उसका बेटा पूरी दुनिया तो नहीं मैं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा लगभग उसने आधी दुनिया को जीत लिया था। लेकिन 32 वर्ष की अवस्था में उस माँ को अपना बेटा खोना पड़ गया। और मैं कहना चाहूंगा इससे बड़ी जिंदगी का दुख क्या हो सकता है कि एक माँ जिसका अपने पति से कभी भी नहीं बना, तो अपने पति के हमेशा विरोध में रही, उसने यहां तक कह दिया कि अलेक्जेंडर इज नॉट द चाइल्ड ऑफ फिलिप सेकेंड, वह तो ज्यूस का पुत्र है, वह वहां की यूनानी देवता का पुत्र है, और वह हमेशा अपने पति से वह घृणा करती रही, नफरत करती रही। और यहां तक बताना मैं चाहूंगा कि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि फिलिप की जो हत्या हुई थी उस हत्या में आप उसकी जो माँ थी आपकी अलेक्जेंडर की जो माँ थी उसका बहुत बड़ा हाथ था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस स्त्री ने अपने पति से नफरत किया अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए, हमेशा वह सपने देखती रही, लेकिन सोचो एक 32 साल के बेटे का शव, 32 साल का बेटा कि जब मौत की उसको खबर मिली होगी और वह अपने 32 साल के उस बेटे के मौत की खबर पर न तो उसके ताबूत पे जाकर दो बूंद आंसू गिरा पाई और न उसके अंतिम अंतिम क्रिया में वह शामिल हो पाई। कितना बड़ा दुख है इस माँ का। इतिहास सिखाता है कि अपने बच्चों को अच्छा बनाओ, उन्हें किसी दूसरे की कीमत पर अपने जीवन को आगे बढ़ने के लिए मत सिखाओ, नहीं तो एक दिन इसका परिणाम भयावह होगा, और इसका परिणाम इतना भयावह होगा कि जिंदगी में फिर उसकी भरपाई आप कभी नहीं कर पाओगे। दूसरा नंबर दो की सिकंदर या अलेक्जेंडर जिसने दुनिया को जीत लिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि ही वाज द मैन Who has no parallel in history of humankind? वो ऐसा मानो जन्म लिया इतिहास में उसके मुकाबले में, उसकी उससे अगर तुलना की जाए तो कोई व्यक्ति उसके सामने ठहरता नहीं है, चाहे वो नेपोलियन क्यों ना हो और चाहे वह चंगेज खान और तैमूर लंगी क्यों ना हो, कोई उसके बराबरी में ठहरता नहीं। आखिर उसे यहां तक पहुंचाने में क्या अलेक्जेंडर या सिकंदर की अकेली योग्यता काम आई? तो मैं कहना चाहता हूं कि जीवन का की अगर दौड़ को जीतना है तुम्हें अभी तुम्हें एक सच्चे मित्र की आवश्यकता होती है, एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ तुम्हारे लिए खोने को तैयार हो जाए। यू हैव टू विन द ट्रस्ट, और अगर आपने किसी का ऐसा विश्वास जीत लिया जो सब कुछ तुम्हारे लिए खोने के लिए तैयार हो जाए, तो समझ लो तुम्हें जिंदगी में जल्दी कोई हरा नहीं सकता। और मैं बताना चाहता हूं कि अलेक्जेंडर या सिकंदर का एक ऐसा दोस्त था जिसका नाम था हिबेशियस, और मैं सिर्फ एक घटना बता देता हूं, इससे पता चल जाएगा कि हिबेशियस का क्या महत्व था अलेक्जेंडर या सिकंदर के जीवन में। जब वह फारस को जीतता है और ये 1300 आपके 36 सापुर की घटना है, जब ये लोग पर्सिया जिसमें उसकी सेना सबसे बड़ी थी उसको जीत करके जब वो लोग अंदर जाते हैं महल में, तो वहाँ पे दारा तृतीय या डेरियस जो थर्ड है उसकी माँ होती है, वह बचाने के लिए अपने बच्चों को अपने लोगों को बचाने के लिए वह प्रार्थना करने के लिए आती है, और वह सोच लेती है, वह सबसे पहले देखती है हिबेशियस को। हिबेशियस का कद काठी सिकंदर की तरह ही था, वह सिकंदर की तरह ही वह डील था, हालांकि सिकंदर से थोड़ा लंबा था वो, और उसने वह मिसअंडरस्टूड कर लिया उसने, और वह गई उसने वह प्लीड करने लगी, उसका नाम था सिगमैसिस।
तो जो सॉरी सिस गैम्बिस जो है वो जाती और वह जो है वह अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और प्रार्थना करती है इसके हिबैसियों से। वो कहती है कि आप हमारे बच्चों को हमारे परिवार के लोगों को छोड़ दें, क्योंकि ये राज्य का मामला था, इनका कोई दोष नहीं है, आपने लड़ाई लड़ी और इस प्रकार से। लेकिन तभी इसको पता चलता है कि अलेक्जेंडर तो कोई और भी है, कोई और ही है। तब तक अलेक्जेंडर पहुंच जाता है, वो अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। वो कहती है मैं गलत समझ गई। अलेक्जेंडर ने कहा कि यू आर नॉट रॉन्ग एट ऑल, तुम बिल्कुल गलत नहीं हो, क्योंकि जो अलेक्जेंडर है वह हिबैसियस है और जो हिबैसियस है वही अलेक्जेंडर है। और अस्तु ने भी कहा था कि दे आर ओनली टू बॉडीज बट वन सोल, ये दो शरीर हैं, एक आत्मा है। और मृताना से जब जब सिकंदर या अलेक्जेंडर को ऐसा लगने लगा कि अब जीवन में शायद अब आगे बढ़ने का कोई तरीका मालूम नहीं है, तो मृताना चाहूंगा हिबैसियस ने उसका हमेशा साथ दिया अपने प्राणों की बाजी लगा करके। और दोस्ती भी ऐसी थी, मृताना चाहूंगा कि जब हिबैसियस की मृत्यु हो गई उसको अलेक्जेंडर संभाल नहीं सका और कुछ समय के बाद अलेक्जेंडर का भी देहावसान हो गया। तो जिंदगी में आपको आगे बढ़ने के लिए सच्चे मित्रों की जरूरत होती है, और जिंदगी में अगर आपको कोई सच्चा मित्र मिल जाए उसे कभी छोड़ना मत, क्योंकि सच्चे मित्र अच्छे मित्र जीवन में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और किसी किसी को मिल पाते हैं। हर कोई भाग्यशाली नहीं होता जिसको जीवन में अच्छा मित्र मिल जाए। नंबर 3, डर को जीतो, दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। यदि आप इस दुनिया में नाम कमाना चाहते हो, शोहरत कमाना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो यू हैव टू किल योर फियर, आपको अपने डर को मानना पड़ेगा, क्योंकि सुनते हो ना डर के आगे जीत है। तो सुनो, मैं बताना चाहूंगा कि अलेक्जेंडर सिकंदर को उस बचपन से एक ही बात सिखाई गई थी, और वह अपने सैनिकों को अपने लोगों को एक ही बात कहता था, अगर मेसिडोनिया का साम्राज्य बड़ा करना है, मेसिडोनिया को बढ़ाना है, उसको दुनिया के सामने खड़ा करना है, तो आपको अपने डर को जीतना पड़ेगा। और जिस दिन आपने डर को फियर को जीत लिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। व्हेन यू स्टार्ट एनी बिजनेस, व्हेन यू स्टार्ट एनी वर्क, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फियरफुल, क्या होगा क्या नहीं होगा। हम आधा अपना विश्वास तो खो देते हैं डर के मारे, और जिस दिन आपने डर को छोड़ दिया, मैं कहना चाहता हूं कि आपको कोई हरा नहीं सकता जिंदगी में। हर रिस्क जरूर है, बट देर आर चांसेस ऑफ योर विक्ट्री, आपके जीतने के चांस भी अधिक है। जब आप जीवन में कोई काम करोगे ही नहीं, तो फिर हार जीत का क्या मतलब होगा। नंबर 4, जिसके साथ काम करो उसका विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। आप समझ सकते हो 336 ईस्वी और 323 ईसा पूर्व और 323 ईसा पूर्व, आप समझ सकते हो यह जो काल रहा 13 वर्ष का काल, घर द्वार छोड़कर 50,000 की संख्या में उसके साथ सैनिक जो है वह चले थे आपको मेसिडोनिया से। ये पूरे जान पूरे शिद्दत के साथ लड़ते रहे, हालांकि जब वे बाद में शारीरिक रूप से मानसिक रूप से बुरी तरह से थक गए, तो भारत के रावी के तक उन्होंने कह दिया कि बस बहुत हो गया, अब आगे नहीं बढ़ना। अब परिवार की याद आ रही है, माता पिता की याद आ रही है, बच्चों की याद आ रही है, जिंदगी में एक बार उनसे मिलना है हमें। हालांकि अलेक्जेंडर सिकंदर 3 दिन गुस्से में जाकर के 3 दिन जो है पड़ा रहा अपने कमरे में, लेकिन ऐसे तो लोग उसको मनाने जाते थे, कोई मनाने नहीं गया। सिकंदर ने कभी अपनी बातें अपने लोगों पर थोपी नहीं, उसने उन लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश की, और यही कारण है कि उनके जो लोग हैं सदा उसके साथ खड़े रहे, और सिकंदर की जीत में उसके लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। नहीं तो सिकंदर जैसा व्यक्ति एक युवा और यह दूसरे देशों में जा करके वह जीत मचा रहा है, ऐसे तो इतिहास में इसके बारे में एग्जैक्ट संख्या नहीं है, लेकिन बताना चाहता हूँ कम से कम उसने 18 से 20 राज्यों को जीता था। तो 18 से 20 राज्यों को उसने जीता, इतने सारे राज्यों को जीतना दूसरे राज्यों में जा करके कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि उसे अपने लोगों का मिलता था पूरा समर्थन, और पूरा समर्थन इसलिए मिला क्योंकि उसने किया उन पर भरोसा। और उसके पिता फिलिप द्वितीय का एक व्यक्ति था जो उसके साथ अंगरक्षक के रूप में काम करता था, लेकिन अंत में कुछ नए लोगों के बहकावे में आकर के फिलिप द्वितीय उस पर विश्वास खो दिया, और वही व्यक्ति उनकी मौत का कारण बन गया था। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति जो भी लोग तुम्हारे साथ काम करते हैं उनका विश्वास और भरोसा जीतना बहुत जरूरी होता है। बिना उनके विश्वास भरोसे के आप जिंदगी में चाहे कोई बिजनेस करो चाहे कुछ भी करो, आप आगे नहीं बढ़ सकते।
साथ ही साथ सिकंदर के जीवन से हमें घटना एक बात और समझने को मिलती है कि कमजोरों का सम्मान करो, तुम्हें जिंदगी की राह अपने आप मिल जाएगी और जिंदगी की मंजिलें भी तुम पालोगे। सिकंदर जहां कहीं भी गया उसने दोस्त बनाए, मित्र बनाए, उसने जीता जरूर, तलवार के बल पर जीता, कतलेआम मचाया, लेकिन बताना चाहूंगा कि बाद में उनसे उसने दोस्ती भी कर ली। और जिन जिन व्यक्तियों को उसने जीता, उसका उसने अपमान नहीं किया, चाहे वो बात हो आपकी बात हो जाए पर्शियन का, चाहे वो बात हो आपके पौरुष का, पौरू का, जिस किसी को भी उसने जीता कभी भी उसने उसका अपमान नहीं किया। और परिणाम ये हुआ कि वे लोग उसके साथ हो गए और सब सिकंदर की मृत्यु हुई। मैं बताना चाहूंगा कि जो पर्शियन राजा दारा द्वितीय की माँ थी वो इतनी ज्यादा दुखी हो गई कि वो डिप्रेशन में चली गई और कुछ दिन के बाद उसका भी देहावसान हो गया। उसका नाम था सिस गैम्बिस। और मैं सबसे लास्ट में बताना चाहूंगा, हालांकि कुछ प्रतीकात्मक कहानियां उनके बारे में, कि कोई दौलत आपका जीवन नहीं बढ़ा सकती, कोई दौलत आपका जीवन नहीं बचा सकती। स्वस्थ रहो, जबरदस्त रहो, क्योंकि स्वस्थ रहोगे तभी आप जीवन का आनंद पा सकोगे। और मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ, हालांकि प्रतीकात्मक कहानी है। कहा जाता है कि सिकंदर ने जब पूरे देशों को जीत लिया, मतलब उसने जीत अपने की, जब वह वापस लौट रहा था तो उसने कहीं से सुन रखा था कि एक ऐसी जगह है जहाँ का पान, जहाँ पे अमृत है, और उस अमृत का होगा अगर पान कर लिया जाए तो व्यक्ति कभी मृत्यु नहीं हो सकती। और कहते हैं कि वह एक दुर्गम स्थान था जहाँ जाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन सिकंदर तो सिकंदर था, वो पहुँच गया उस गुफा के पास जहाँ वो पानी था। जैसे वो पानी को पीने के लिए हुआ, वह कौवा बैठा हुआ था, कौवे ने कहा रुको जरा, इस जल को पीने के पहले मेरी बात सुनो, इस जल को पीने के पहले मेरी बात सुनो, इस जल को मत पीना, क्योंकि यही गलती मुझसे हो गई। आज मैं मरना चाहता हूं क्योंकि मेरा शरीर जर्जर हो चुका है, मेरे जीभ में कुछ स्वाद नहीं आता, मेरे कान में कुछ सुनाई नहीं पड़ता, मेरी आंखें दुर्बल हो चुकी हैं, मेरे पंख में कोई ताकत नहीं बची है, मैं उड़ना चाहता हूं, मैं पेड़ों पर एक पेड़ से दूसरे पेड़ खुदक कर जाना चाहता हूं, लेकिन अब मेरे पास ऐसी कोई ताकत नहीं बची है, तो मैं मर जाना चाहता हूं। बड़े उपाय किए मैंने मरने के लिए, लेकिन चूंकि मैंने समृद्ध का जल पी लिया, अब मैं मरकर मैं कैसे मर सकता हूं, और जिंदगी मुझे अब रास आती नहीं है। तो मेरे भाइयों देखो सुनो, जब तक तुम स्वस्थ हो तब तक जीवन का आनंद उठाओ, और जीवन का आनंद सिर्फ वस्तुओं से और भोग से नहीं है, जीवन का आनंद है अपने कर्तव्यों के निर्वहन से। जब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करोगे, जब मन के अंदर से खुशी फूटेंगे, आप समझ लो आप सबसे आनंद की स्थिति में हो। तो जीवन में जब तक आप स्वस्थ हो तब तक कार्य करो, और जब आप अच्छे से काम करोगे तब बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि काम से बढ़कर अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य का निर्वहन किया जाए, उससे बढ़कर जीवन में कोई आनंद हो ही नहीं सकता। और कहते हैं कि अलेक्जेंडर या सिकंदर जब मरने लगा तो दुनिया को कुछ शिक्षा देना चाहता था। उसने कहा कि मेरी अर्थी को कंधा वही लोग देंगे जिन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की। कहते वह उसको संक्रमण हो गया था, वह जो है वह इन्फेक्शन हो गया, और या फिर उसको मलेरिया हो गई थी, हालांकि इसके बारे में बताना बड़ा मुश्किल है किस कारण उसकी मौत हुई। तो जब उसकी मौत होने लगी, उसको बहुत सारे वैद्यों ने, उसको हाकिम लोग आए, उसको बचाने की कोशिश की, कोई बचा नहीं सका। उसने कहा कि दुनिया ये लोग जो हाकिम लोग हैं, ये जो वैद्य लोग हैं, यही मुझे कंधा देंगे दुनिया, ताकि समझ ले कि दुनिया जिंदगी में कोई ऐसा वैद्य नहीं बना जो तुम्हें अनंत समय तक तुम्हें जिंदा रख सके। और दूसरा उसने कहा कि जब मेरे ताबूत को ले जाया जाए तो मेरे हाथों को बाहर कर दिया जाए, क्योंकि दुनिया देख ले कि सिकंदर आया था खाली हाथ और एक खाली हाथ ही जा रहा है। मैंने जिंदगी में कमाया बहुत, लेकिन मैं जा रहा हूं कुछ लेकर नहीं जा रहा हूं। हम मेरे साथ जो जा रहा है वो मेरे साथ जो जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि मैंने जीवन में लोगों को कितनी खुशियां दी, बाकी बात ये धन संपदा सोना चांदी यहीं पर रह गया। और नंबर तीन कि उसने यह दुनिया को बता दिया, बताना चाहे वो कहने कहा कि मेरे मार्ग में जब मैं जाऊंगा तो मेरे मार्ग में सोने चांदी बिछा देना, यह लोग देखें ताकि कि कोई भी सोना चांदी इंसान के जीवन को बढ़ा नहीं सकता। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, दीज वेयर द टीचिंग्स
which we can have from the life of Alexander, सिकंदर के जीवन से ये सारी बातें हैं जो हम सीख सकते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही हम लोग इस कड़ी में आगे बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, उसके जीवन की भी बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमें बताने के लिए, जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मददगार होगी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। और अब जाते तो मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोगों का जो CGL का परीक्षा है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग खूब अच्छे से देखो, डरो मत, जितना आप में आता है अपनी पूरी ताकत से, पूरी एनर्जी के साथ में पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर के अपनी परीक्षा देना। ईश्वर आपके हमेशा आपकी मदद करेगा, आपके साथ रहेगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।